नमस्कार, हॉस्टल वार्डन के लिए ऑनलाइन आवेदन कल यानी 20 मई से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आइए जल्दी से वो नोटिफिकेशन, वो विज्ञप्ति पूरी देख लेते हैं जो कि हॉस्टल वार्डन से संबंधित है, क्योंकि कल से ही इसके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। तो आइए सीधे हम आते हैं। तो आवेदन का शुरुआत कब से हो रहा है? कल यानी 20 मई से, और कब तक? तो 8 जून तक ये आवेदन ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और भी हम लोग महत्वपूर्ण बातें करेंगे। हॉस्टल वार्डन जो है उसमें टोटल जो पद हैं, कितना वैकेंसी आया है, तो 500 कुल पद हैं, जिसमें से अगर हम अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो 210 पद, फिर अगर हम अजाब यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो 60 पद आए हैं, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 160 पद, और अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 70 पद। तो कुल मिला के टोटल है 500 पद की ये भर्ती है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी भर्ती इस बार हॉस्टल वार्डन में आपको देखने को मिल रही है, और इसलिए समय भी अच्छा मिल रहा है। अभी तो आप सोचो कि जून तक, 8 जून तक आवेदन, उसके बाद एग्जाम, यानी निश्चित रूप से काफी समय आपके पास मौजूद है। अब अगर हम कुछ और चीजों की चर्चा करें तो यहां पर कुछ और ध्यान देने वाली बातें ये हैं। आप देख पाएंगे एलिजिबिलिटी, तो बोलता है आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 10+2 लिखा हुआ है, यानी आपका 12th पास होना जरूरी है इस हॉस्टल वार्डन को देने के लिए। नेक्स्ट बात करें, क्या बोलता है, कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी, तो आपको 10+2 यानी 12th पास तो होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर अगर आपके पास कुछ ऐसा सर्टिफिकेट, उसको अधिमान्यता दी जाएगी। इसका क्या मतलब है, वो भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट बताया है कि कंप्यूटर ज्ञान या प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कंप्यूटर आपका 50 मार्क्स का आने वाला है, और उस 50 मार्क्स में से 50% यानी 25 आपके मार्क्स तो आने ही चाहिए, यानी कंप्यूटर में 25 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स लाना जरूरी है। अब अगर हम बात करें परीवीक्षा अवधि, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीवीक्षा, परीवीक्षा मतलब प्रोबेशन पीरियड, यानी 3 वर्ष के लिए आप प्रोबेशन पर होंगे। इसका यह मतलब है कि 3 वर्ष तक आपका जो वेतन मान भी होगा और आपकी जो नौकरी भी होगी उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो सबसे पहले सैलरी की बात करें, प्रथम वर्ष में आपका जो भी वेतन मान आया है हॉस्टल वार्डन का, उसका 70% दिया जाएगा। तो फर्स्ट वर्ष में आपकी जो भी सैलरी है उसका 70% ही आपको पर मंथ दिया जाएगा, सेकंड वर्ष में 80 और थर्ड वर्ष में 90, और फोर्थ वर्ष से आपका ऑब्वियस सी बात है पूरा 100% आपको पेमेंट मिलेगा, फिर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन 3 वर्ष का इसमें प्रोबेशन रहेगा। और बातों पर अगर हम गौर करें तो आइए अगली बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, अगली बात यह है कि निर्धारित आयु सीमा। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर कब से कब तक भाई हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो अगर आपकी जो आयु है 1 जनवरी 2023, तो सुनना 1 जनवरी 2023 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है और 35 वर्ष या उससे कम है, मतलब 21 से 35 के बीच में 1 जनवरी 2023 को आप हो, तो फिर निश्चित रूप से आप दे सकते हो। तो बिल्कुल होश में रहें, जो बच्चे 1 जनवरी को 21 वर्ष कंप्लीट नहीं किए, 21 वर्ष से कम है, तो आप ये पेपर नहीं दे सकते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जो 1 जनवरी को या उसके बाद, मतलब 1 जनवरी क्राइटेरिया है, 1 जनवरी को अगर आपने 35 वर्ष क्रॉस कर दिए हैं तो फिर आप अगेन ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये वाली बात है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसमें जो छूट दी गई है ये अलग अलग छूट है जो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग छूट हर बार दी जाती है। तो ये है जो जनरल कैटेगरी को, जो आपने 21 से 35 पढ़ा वो जनरल के लिए है, अनारक्षित के लिए बाकी आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम मेन बात करें तो मेन बात आगे की क्या है, अगर हम जाते हैं इसके एग्जाम पैटर्न में, बाकी बातें आप देख सकते हो शेड्यूल में, है ना, लेकिन जो हमारी मेन बात है वो है एक सिलेबस, और इसमें मार्किंग किस प्रकार रहेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर जल्दी से चर्चा कर लें। तो यहां पर देखो क्या बोलता है, परिशिष्ट एक परीक्षा योजना, परीक्षा एक चरण में होगी जो वस्तुनिष्ठ यानी MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और कितने मार्क्स का होगा, 150 नंबर का, 150 नंबर का ये होने वाला है, तो 150 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें
नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब है अब कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आराम से करना, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी तुक्के लगा के आओगे, नहीं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, इसलिए बिल्कुल होश में रह के देना है। और उन्हें बताया भी है कि भाई अगर आपने राइट 100 क्वेश्चन किए 150 में से और गलत 50 किए, तो 1 × 100 एक मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 100 आपके सही हो गए, 100 मार्क्स सही के आ गए, और -1/3 × 50, तो एक मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 1/3 डिडक्ट होगा हर गलत आंसर पे, तो 50 आपने गलत किए थे, तो 1/3 50, तो आपका इस प्रकार से डिडक्शन भी किया जाएगा। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, और फिर आपको कोको की जो बिलासपुर ब्रांच है इसमें हम देखेंगे कि वो सब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सबसे पहले कंप्यूटर आपका सिलेबस में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि 50 अंकों का है, तो कंप्यूटर सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है हॉस्टल वार्डन में। हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर से रिलेटेड एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी जब आप उस फील्ड में जाओगे, जॉब में जाओगे, इसीलिए कंप्यूटर को सबसे ज्यादा वेटेज यानी 50 मार्क्स दिए गए हैं। यहां पर पूरा कंप्यूटर का सिलेबस भी डिटेल में है, ये सिलेबस जो है आपको निश्चित रूप से करवाया भी जाना है ऑफलाइन, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध होगा, जिसके बारे में मैं आपको अगले इस कुछ मिनटों में बताने वाला हूं। लेकिन हम पहले आगे बढ़े, कंप्यूटर के अलावा और क्या है, तो कंप्यूटर के अलावा है हिंदी, तो हिंदी व्याकरण सहित लिखा हुआ है, तो भाई हिंदी भी आपसे पूछने वाला है। हिंदी के अलावा और देखते हैं क्या है, तो अंग्रेजी, तो आपके कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश हो गए। कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश के अलावा और देखें क्या क्या है, तो साफ साफ हमको यहां पर मैथ्स भी दिखाई दे रहा है, देखो गणित लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश है, मैथ्स है, तो ये आपका मैथ्स का भी पूरा सिलेबस है, वहां पर भी पूरी चीजें लिखी है, ब्याज लाभ हानि अनुपात है ना, रेशियो रेखा तथा कोण, ये सब हमने चीजें देखी है। तो कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश मैथ्स और क्या है, और यहां पर सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज बोलता है, तो जनरल नॉलेज भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो हमने ये भी एक चीज देख ली, तो यहां पर कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका इन सब के अलावा कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश और मैथ्स और जनरल नॉलेज। आगे आ जाओ, आगे है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, यानी करंट अफेयर्स भी आपका आएगा, करंट अफेयर्स भी आपको पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स और नेशनल इंटरनेशनल, ये जो आपकी पूरी करंट अफेयर्स की चीजें होंगी ये भी एग्जाम में आएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए, यानी जो बेसिक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तथ्य है वो भी एग्जाम में आएंगे, और इसके अलावा बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के सिलेबस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश मैथ्स जनरल नॉलेज ये तो है ही, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, करंट अफेयर्स, खेलकूद, और इसके अलावा हमने बोला बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी भी, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में आपको बच्चों से भी तो डील करना ही है। अब अगर हम दूसरी चीज पर आ जाएं, दूसरी चीज की कौन सा कितने मार्क्स का है, तो ध्यान देंगे कंप्यूटर 50 नंबर का आपका एग्जाम में आने वाला है, और कोको में जो बिलासपुर सेंटर है वहां पर 17 मई से हमने शुरू किया है हॉस्टल वार्डन का बैच। क्या हॉस्टल वार्डन का ऑफलाइन बैच, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो 17 मई से जो ये बैच शुरू हुआ है 17 मई से, तो ये बैच अभी भी बिल्कुल इसमें एडमिशन्स ओपन है, और अगर आप हॉस्टल वार्डन को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं डेमो अटेंड करने। यहां पर आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर है वो 50 मार्क्स का है, हिंदी ग्रामर 10 मार्क्स का है, सीजी जो सामान्य जानकारी जनरल जो आपको इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए वो 20 मार्क्स का है, इंग्लिश ग्रामर 10 मार्क्स का है, मैथ्स 20 नंबर का है, जनरल नॉलेज 15 नंबर का है, और करंट अफेयर्स भी 15 नंबर का है, चाइल्ड साइकोलॉजी 20 नंबर का है, टोटल हो गया 150। कौन कौन पढ़ाने वाला है तो मैं आपको कुछ ब्रीफ आइडिया देता हूं। कई यहां पे ऐसे टीचर हैं जो कि YouTube पर अभी नहीं दिख रहे होंगे आपको, तो शायद आप उनको जानते ना हो, लेकिन कौन कौन को आप जानते हैं तो मैं बता दूं, हिंदी ग्रामर आपको पढ़ाने वाले हैं जोसेफ बारला सर, सीजी जो जनरल इंफॉर्मेशन है पढ़ाने वाले हैं आपको कोमल सर, तो कोमल सर को आप जानते ही हैं, इसके अलावा इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं आपको अजीत सर, अजीत सर को भी आप जानते होंगे, इंग्लिश की बहुत वीडियोज उपलब्ध है, मैथ्स मिथुन सर पढ़ाने वाले हैं, इनको भी आप जानते हैं, जीके, क्योंकि जीके डाइवर्सिफाइड है, जीके में आप देखोगे कि आपको पॉलिटिक्स भी पढ़ना है, बेसिक बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ना है, बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तो आपको सुखवीर सर, सृजन सर,
इशार सर, ठीक है, फिर इकोनॉमी है, अगेन सृजन सर है, ज्योग्राफी में आपके पास तरुण सर भी, तो ये अलग अलग जो लोग हैं ये आपको अलग अलग, साइंस से गणेश सर भी आपको पढ़ाने वाले हैं, जीके का जो पोर्शन है वो भी आपको 15 नंबर का करवाया जाएगा, करंट अफेयर्स तरुण सर आपको करवाएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए हमारे पास एक स्पेशलिस्ट टीचर है जो कि आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, लेकिन शायद आप अभी उनसे अवगत नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब आप सेंटर पर आएंगे तो सेंटर पर उनकी क्लास लग रही है तो आप उनसे आमने सामने मुलाकात भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी कोको की तरफ से। इसमें आपके और क्या क्या फीचर्स हैं, आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलने वाली है, आपको डिजिटल क्लासरूम्स आपके होने वाले हैं, इसके अलावा आपके पास फुली एयर कंडीशन क्लासरूम्स होने वाले हैं, आपको पीडीएफ डेली मिलने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाली है, और यही है हमारा हॉस्टल वार्डन का प्रिपरेशन प्लान। तो जैसा मैंने कहा, आप अगर बिल्कुल सीरियसली हॉस्टल वार्डन टारगेट कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि सीजी का, हॉस्टल वार्डन का ये जो वैकेंसी आया है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। आप सभी को जाने से पहले मैं ये बात बता दूं, अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो नंबर है 9171504000, 9171504000। इसके अलावा एक और अन्य नंबर 7747901111। इसके अलावा बिलासपुर जो कोको ब्रांच है वो कहां पर है, तो जो फिफ्थ फ्लोर रियल हेवन बिजनेस आर्केड मंगला चौक बिलासपुर, तो बिल्कुल आप यहां पर मुलाकात कर सकते हैं, आ सकते हैं। आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।